शेरिल, क्या? मैं जाग रही हूँ। ओह, ठीक है, ये लो। आह, बढ़िया, शुक्रिया। समझ कर करो, तो ये बहुत आसान है। टडा! सच में? ओह, अब समझ गए। चलो दोबारा ट्राई करें। ये तो मीठी नहीं रहा। ओह, परमानेंट। मैं इसके ऊपर चला देती हूँ। और अब मिटाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मैं सही आंसर लिखूंगी। अब कैसा है? हम दोस्त भी क्यों हैं? ये ठीक नहीं है। ठीक है क्लास, टेस्ट शुरू हो चुका है। मेडिसिन, ये लो। बढ़िया, मुझे पढ़ना चाहिए था। मुझे सच में पढ़ना चाहिए था। कोई मेरी मदद कर दे। मैथ्स बहुत मजेदार है, ये कितना एक्साइटिंग है। वाह, उसे अपने आप को देखना चाहिए। पर हाय, तुम मेरी मदद कर दोगे? बिल्कुल, वैसे इसके पैसे लगेंगे, एक किस और तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। मुझे इनकी इतनी भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये बकवास है। हाँ सोचो, तुम ये कर सकती हो। ये बस नंबर्स ही तो है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग चल जाए। मेडिसिन, टाइम जा रहा है, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाय, एक किस ही है ना? क्या दिन है, वाह। ये बस किस है, बस सोचो कि ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। सीधा चीक पर। मुझे माउथ वॉश चाहिए। हो गया। हे, मुझे अपने आंसर्स दो। ओह हाँ, डील तो डील है। यहाँ देखो, आंसर के लिए पहले इक्वेशन लिखो। अब दो नंबर्स को जोड़ो, 6 और 4 होते हैं 10। अब ये दो लो और 10 में से इसे माइनस कर दो, तो अब आया 8। अगले आंसर के लिए भी हम यही करेंगे। इस बार हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आया 7। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 5। वाह, ये कितना अच्छा है। शुक्रिया, मैं कर सकती हूँ। पहला आंसर 8 है और फिर 5। उसे सारे आंसर्स पता है। ये देखो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, तुम्हें किस करनी होगी। मुझे चलेगा। गलत बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चीट चीट देख लेता हूँ। हाँ, इसमें आंसर मिल जाएंगे। अहम, केविन, तुम कुछ छिपा रहे हो? एक चीट चीट, मुझे पता था। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। हाय डैड, अभी भी पढ़ रहे हो? अच्छा है। ओह, मैं यही बुक तो ढूंढ रहा था। ओह, फैन, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। हम चीट चीट ही बनाएंगे। जी हाँ, मैंने इसे अकॉर्डियन की तरह फोल्ड किया। अब मुझे पेंसिल और थोड़ी ग्लू चाहिए। बस उधर थोड़ी सी ग्लू, इतनी काफी होगी। और अब चीट चीट। हाँ, एक तरफ एक पेंसिल और दूसरी तरफ दूसरी पेंसिल लगाएंगे। देखो, मैंने चीट चीट पैन बनाया। मुझे जल्दी आंसर्स लिखने होंगे। ओह, वो आ गई। इस पैन को बंद कर ये छिप जाएगा। ओह हाय मैम, देखते हैं, तुम चीट चीट तो नहीं छिपा रही केविन। ठीक है, खैर करते रहो, काम बन गया। मैं टेस्ट खत्म कर लेता हूँ। आप देख ही सकते हैं, इस पेंटिंग के रंग कितने सुंदर हैं। ये देखकर ही मन एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करें। चलो, डरो मत क्लास, मैं ठीक हूँ। ये थोड़ा खतरनाक है। अब तुम अपनी कैनवासेस पर काम शुरू कर सकते हो। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं यही हूँ। मैं अपना खुद का आर्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं इन कलर्स को पहचान गई हूँ और मुझे ऐसे ही और कलर्स भी चाहिए। कलर्स, मुझे कलर्स दो। और ये वाले कलर्स और ये भी। हाँ, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे अपनी क्लासेस में ऐसा ही पैशन चाहिए। लगता है इसकी इंक खत्म हो गई, मैं एक और ले लेती हूँ। वो सब कहाँ चले गए? है, उसने सारे हड़प लिए। पर अब मैं क्या करूँ?
थोड़ा सा और यहाँ। हाँ बढ़िया। क्या बकवास है, मैं बिना सामान के कैसे बनाऊंगी। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो, मुझे ये कलरिंग बुक्स पसंद है, बस हमें यहाँ तक पहुँचना है और ये लेना है। योइंक। ओह, शायद मैंने कुछ सुना। मेरे कॉटन स्वॉप्स कहाँ चले गए, मेरे कान में खुजली हो रही है। ओ नहीं, ओ नहीं। रुको रुको, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लो, ये रहे मेरे स्पेयर सप्लाईज, अब मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरे प्लान का पहला स्टेज काम कर गया। अब काम पर लग जाते हैं। इस टिश्यू पेपर पर ये कॉटन स्वाब लपेटेंगे पूरा अच्छे से। अब वॉशी टेप की बारी। ओह, मुझे पर्पल पोल्का डॉट वाला ज्यादा पसंद है, कितना सुंदर है। अब इसे स्वाब के ऊपर लपेट देंगे, अच्छा लग रहा है। अब मुझे कलर चाहिए, इस फूड कलरिंग जैसा। इस कॉटन एंड को कलर के अंदर डालेंगे और एक पेपर पर इसे टेस्ट कर लेंगे। मैंने अपना आर्ट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। एक ही क्यों बनाए, जब हम पूरा रेनबो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो काम पर लग जाए। जूम। हेलो आर्ट वर्क, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं और कलर्स के साथ वापस आ गई। मैं अब तक की सबसे अच्छी आर्टिस्ट हूँ। लो, शायद ये मेरा एक मास्टरपीस बन जाए। जी हाँ क्लास, आपका आज का काम देखते हैं। ये रहा मेरा, मुझे पसंद आया। मेरी वाली बहुत डरावनी है। ठीक है, जरा मुझे पास से देखने दो। हाँ ठीक है, तुमने यहाँ ब्लू और ऑरेंज की हाईलाइट यूज की है। ठीक है, और तुमने यहाँ बहुत सारी स्ट्रोक्स बनाए है। और ये क्या है, ये छोटी छोटी आर्ट स्टिक्स कहाँ से आई। शानदार, मुझे बहुत पसंद आई, तुमने बहुत अच्छा काम किया डियर। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये ले लूं। ओह बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं इसी जर्नल एंट्री पर काम कर रही थी। हे भगवान, मैं ये क्या कर रही थी। अपना अपना टेस्ट अच्छे से करना, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये सारा आता है। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता, मैं हार्ट अटैक आने का नाटक करूं। ना, ये बेकार है। क्रिस, बातें नहीं। ओह सॉरी मिस। हे मैडिसन, क्या? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगा। तुम्हें पता है मुझे कैंडी कितनी पसंद है। ठीक है, ये लो। शानदार, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये आंसर्स, ये ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आंसर्स मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो ये आया सच में, ये कचरे में जाएगा। इसने किया? नहीं, इसने किया ना। झूठा, ये कैसे बच्चे हैं? मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे हे, अब क्या? ये कैंडी बार देख रही हो, ये कैसा रहेगा? हाँ तो डील रही। हम ये करें कैसे? समझ गए, मुझे पता है। एक नोटबुक खोलें और बुक के बिल्कुल कोने तक टेप के स्ट्रिप्स लगाएं। इसे पूरे पेज पर लगाएं। अब एक स्पॉन्ज लें और इसे छोटे पीसेस में काटें। एक पीस हाइलाइटिंग पेन पर लगा दें। अब आपके पास कुछ भी मिटाने के लिए इरेजर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, तुम्हें आंसर चाहिए? ये देखो, तुम क्या कर रही हो? रुको, अब ये देखो। वाह शुक्रिया, मुझे लगा मुझे आंसर मिलेंगे ही नहीं। वहाँ क्या चल रहा है? ओ, कुछ भी नहीं मिस। देखो, मेरा भ्रम होगा। बाल बाल बचे। हे, मुझे कैंडी बाज दो। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। लूना के पास आंसर्स है। शुक्र है मुझे ये आता है। शुक्र है लूना को सब आता है। बस थोड़ी मदद चाहिए, जल्दी करना होगा। अरे नहीं, वो चीटिंग कर रही है, बहुत तेज है। शेरो, हटो। पर ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्नैक खा लेती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। चॉकलेट, क्या ये कैंडी है? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है। हे शेरल, मुझे एक पीस मिल सकता है? खैर खैर खैर, नहीं। बहुत हुआ, तुम्हें लगा मैं डर गई?
आ जाओ। अब बस एक ही चारा है। किसी ने खिड़की खोली। एक कैंडी बार और जो भी है ये लो, मुझे आंसर्स दो। और ठीक है, अब खुश हो? तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। थैंक्स बेस्टी। थैंक्स। मुझे पढ़ना नहीं पसंद, इससे देखना आसान है। यहाँ क्या चल रहा है? कितनी गलत बात है। ये मुझे दो। और तुम डिटेंशन के लिए जाओ, दोनों के दोनों। ये क्या करती हैं? बुद्धू बच्चे। क्लास में खाना ऐसे लेकर आते हैं। यम्मी। मुझे अपना काम पसंद है। इतना बोरिंग टेस्ट है। खैर, मुझे तो पसंद आया। तुम पढ़ाकू हो ना, थोड़ी मस्ती हो जाए। हे, बचकानी हरकतें मत करो। ये क्वेश्चन बढ़िया है। मुझे यहाँ से जाना होगा। ओह, एक मिनट रुको। हे, अब क्या है? जरा ये देखो। बस इसे स्लीप पर रब करेंगे और घुमाएंगे। मान लो तुम्हें पसंद आया। वो तुम तो जादूगर हो। मैं ट्राई करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, जादूगर कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता। मुझे और फ्रिक्शन चाहिए। ये देखो, मैं नहीं कर सकती। ओह, समझ गई। मैं इसे अपने दिमाग से पता लगाऊंगी। मैं ग्रेविटी को तो भूल ही गई थी। अर्थ रोटेट करती है, मतलब समझ गई। चलो इसे दोबारा ट्राई करें। ये जादू नहीं है। जो भी हो, क्लास बात ही नहीं। सॉरी, फंस गए। ओप्स, मैं तुम्हें देख रही हूँ सोफिया। मैं काम कर रही हूँ। देखो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। रुको, मेरे पास पेन था। मैं फेल हो जाऊंगी। शेरिल, क्या? मैं जाग रही हूँ। ठीक है, ये लो। बढ़िया, शुक्रिया। समझ कर करो, तो ये बहुत आसान है। टडा! सच में? ओ, अब समझ गए। चलो दोबारा ट्राई करें। ये तो मीठी नहीं रहा। ओ, परमानेंट। मैं इसके ऊपर चला देती हूँ। और अब मिटाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मैं सही आंसर लिखूंगी। अब कैसा है? हम दोस्त भी क्यों हैं? ये ठीक नहीं है। ओ, जरा उसे देखो, कितना प्यारा है। मैं ले लेती हूँ। हे, ये वापस दो। कभी नहीं, ये मेरा है। मुझे दो ना। देखो तुमने क्या किया, सब खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे नोटबुक चाहिए होगी। हे जेनिफर, ये देखो, मैं इस कोर्स वर्क को मजेदार बना दूंगी। पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान है। लो, बस यही नहीं। What? मैं आंसर्स में थोड़े से चेंजेस करूंगी। ये नंबर्स से लेटर्स में बदल जाएंगे और एक लव नोट लिखा जाएगा। हो गया, क्या सोचती हो? I love you. मुझे माफ कर दो, वो एक बकवास सा प्रैंक था। दोस्ती करोगी? बिल्कुल। क्या प्रैक्टिस थी दोस्तों, बेहतर लग रहा है। रुको, मेरे पास नोटबुक वगैरह कुछ है। यहाँ मुझे वो लिखने वाली चीज चाहिए। पेन? हाँ बिल्कुल। नहीं, यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे स्मार्ट गर्ल, यहू मैं। हाँ, मुझे पेन मिल सकता है? ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये रहा,
वाह शुक्रिया। ओ नहीं, ये टूटा हुआ है। हे स्मार्ट गर्ल, ये वाला खराब है, मुझे दूसरा मिलेगा। ध्यान दो ना। वाह एक बार में दो दो। ओ, ये कैसे हो सकता है। ये लो लो, ये वाला लो। उसने इसकी रिसेट रखी होगी। स्मार्ट गर्ल, ये मेरा आखिरी पेन है। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ये जूस बॉक्स काम आएगा। शायद ये स्ट्रॉ मदद करे। ये चलेगा। एक पेन खोले, इंक ट्यूब के बिल्कुल नीचे ग्लू लगाए इस तरह। अब एक स्ट्रॉ लें और इंक ट्यूब उसके अंदर डाल दें बिल्कुल नीचे ग्लू तक। ये पेन क्रॉस की तरह दिखते हैं और इन्हें कोई नहीं मांगेगा। वाह ये कितने कूल है, मुझे पेन मिल सकता है। ये स्ट्रॉज है, माफ करना। ठीक है। हे ब्रो, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। और ये देखो तो क्लास, ये नया पाउडर कितना अच्छा है ना, पूरा दिन चलता है। चलो साथ में एक सेल्फी ले। वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे शेरो, बहुत हुआ, अलग अलग हो जाओ अभी के अभी। नहीं प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी शेरो, इतने पास होकर भी इतनी दूरियां। हाँ यहाँ तुम पढ़ने आते हो। पस्ट, पस्ट। क्या क्या हुआ, हम अपने फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ ये बढ़िया है, मैं करती हूँ। यहीं रुक जाओ, तुम्हें मैं छोटी बच्चे लगती हूँ, फोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, क्लास के बाद वापस ले लेना। अब काम कर लो और मेरी नजरें तुम पर हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ इसे इकट्ठा कर। शेरो ये तुम्हारे लिए है। ओ नहीं वो तो बहुत दूर गिर गया। उसने कुछ देखा? ओ लगता है वो अपनी बुक पढ़ रही है। हम लकी हैं। हाँ अब मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये रहा प्लास्टिक कप, इसे उल्टा करेंगे, नीचे का हिस्सा काटेंगे। अब एक बलून चाहिए, अब इसके कोने को इस तरह काट देंगे। अब इसे खोलकर कप के ऊपर लगा देते हैं। शानदार, अब मैं अपना छोटा सा मैसेज कैनन ट्राई करती हूँ। इसके अंदर मैसेज रख कर बलून को खींचेंगे और छोड़ देंगे। वो ये मैसेज मेरे लिए है, खोल कर देखती हूँ। तुम कैसे हो? ओ, उसने मैसेज मुझे भेजा है। हाँ ये काम किया। तो उसने भी मुझे वापस मैसेज भेजा। इस पर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, मुझे भी मैसेज कैनन बनाना आता है। जी हाँ लंच का समय, मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना है। ओह केविन के पास वो क्या है? हे केविन, हमारे साथ भी शेयर करोगे? हाँ बिल्कुल, शायद वो मेरा सोडा है। बढ़िया, अब क्या? ठीक है, आसपास कोई नहीं है। हे केविन, तुम्हारे पास ये क्या है? ओह ले लो, और तुम ये भी ले लो। दोबारा वो मेरा सारा खाना ले जाती है। ओ रुको कॉल आ रहा है। केविन तुम जरा इसे काट दोगे? हाँ ठीक है। हे एक सेकंड, मैं इसे ऊपर से काटता हूँ। अब थोड़े M&M's मैं इसे इसमें डाल देता हूँ, ये कप की तरह है। और अब मैं इसके ऊपर इसका टॉप रख देता हूँ। मैं ये कुकम्बर और किटकैट के साथ भी कर सकता हूँ, और इस पम्पकिन में मेरा सारा सोडा आ जाएगा। मैं ये पूरा पम्पकिन भरूंगा ताकि प्याज बाकी ना रह जाए। हो गया, अब इस पर ढक्कन लगाओ। इसे एक बास्केट में रखते हैं। तो चलो ये मेरा स्कूल लंच है, इससे सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। लंच टाइम हो गया, देखते हैं केविन आज क्या लाया। क्या कच्ची सब्जियाँ? हम नहीं खाएंगे, वो बुद्धू बन गई। अब मैं अपनी कैंडी खाऊंगा, मुझे पता ही नहीं था ये इतना आसान है। कुछ पी भी लेते हैं। एकदम ताजा। मैं आर्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है क्लास, मैं चाहती हूँ आज तुम एक कैट ड्रॉ करो। देखो इसका चेहरा कितना प्यारा है, शुरू करो। ओह ये क्विकी है। ये रही इसकी पूंछ। अरे नहीं अच्छा नहीं बना, पूरा हुआ थोड़ी जल्दी में बनाया है तो ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। क्या ये कैसे हो सकता है? आज का दिन सबसे बुरा है, ये मुझे दो। ओह
पर मुझे खुशी हुई। एक आइडिया है, शायद ये काम आए। अगर पेन के ऊपर रबर बैंड बांधे जाए और दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया जाए तो मैं इस कैट को अपनी नोटबुक पर ट्रेस कर सकती हूँ। ये काम कर रहा है। जब तक इन लाइंस को फॉलो किया जाए ये बहुत अच्छी कॉपी बनेगी। वाह, अच्छा लग रहा है। परफेक्ट, मुझे ये अच्छा लगा शेरो। शुक्रिया, मैं हूँ ही कमाल। एक बी, हमेशा की तरह कमाल कर दिया लूनो। ए प्लस, ऐसे ही करती रहो। शुक्रिया। ओ नहीं, अभी भी प्रिंट हो रहा है। रुको। क्या यहाँ कुछ नहीं है? मुझे आर्ट क्लास नहीं पसंद। मुझे वो लास्ट वाला बहुत पसंद आया। रुको, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या ये तुम कर रही हो? वो कितना कूल है, जरा इसे देखो, कितना फैंसी है। तुम्हारा वाला इतना अच्छा नहीं है। शुक्र है मेरे पास ये है। हाँ, एक और बॉक्स। ठीक है, इससे और दिलचस्प हुआ। मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा। एक और बॉक्स, कितनी बढ़िया गेम है। हाँ ये देखो, इतनी सारी फिजेट ट्यूब्स। तुम्हारे पास क्या है? ये तो मजाक है। है तो सही। वो ये मुड़ रहा है, मैं इसे साथ में जोड़ूंगा। ये कितना स्ट्रेच होता है। वाह बढ़िया है। ये वाला कैसा रहेगा? एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। दोबारा नहीं है। वो क्या है? हेलो मैडिसन। तुम कितना डर गए। तुम्हें बहुत बचपना है। तो बॉक्स में क्या है? सच में ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। अजीब है। ओ अच्छा, मजे करो। जो भी है, हो सकता है मैं इसका भी कुछ कर लूं। समझ गए। फ्लेक्सिबल सेक्शन को इस तरह छोड़ते हुए स्ट्रॉस को आखिर से काटें। दूसरों के साथ भी ऐसे ही करें। मिनी फिजेट ट्यूब, ये कितनी प्यारी है। ये एक रिवीलिंग वॉर्म जैसा है। बढ़िया है। कूल, तुम्हारे पास भी ये है। मुझे दो। रुक जाओ, एक चीज ट्राई करते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा वाला है और मेरे ये छोटे हाथ। मेरे भी। खींचो। मैं जीत गई। चलो ये दोबारा करें। कितनी मजेदार गेम है, तुम बहुत तेज हो। वाह, ये तो ट्विस्ट है। हेलो, जो भी है। हेलो, आ जाओ। तुम जादू करती हो ना? हाँ, क्या मेरी मदद कर दोगी? एक पार्टी? दिव्यों ने कौन से जा सकते हैं? देखते हैं। तुम पैदा तो इंसान हुई थी पर अब तुम्हारा एक हॉर्न भी है। कूल। रुको, ये असली तो नहीं लग रहा। ठीक है, यूनिकॉर्नियस टर्नियस। रुको, मेरे सर को क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा है। कितनी नचड़ी है। लो ये लो। अब इसमें ऐसा क्या है? शांत हो जाओ, शायद तुम्हें मेकअप मैजिक की जरूरत है। अब तुम समझी, ये हुई ना बात। सबसे पहले हमें टेक्सचर पर काम करना होगा, पहले फोरहेड पर। हाँ, हम यहाँ हॉर्न बनाएंगे दोस्तों। यहाँ होगा जादू, ये इसके ऊपर टिक जाएगा। और अब बाकी के लुक की बारी। ब्लू आईज अच्छी दिखेंगी। आराम से, आराम से। परफेक्ट। अब पिंक की बारी। इसे अपने ब्राउ के नीचे ब्रश से बनाए, बाकी का इसमें फिल कर दे। बस ये मैच होना चाहिए। पिंक कॉन्टूरिंग अच्छी रहेगी। अच्छे से ब्लेंड करें। देखा ये कैसा लग रहा है? लिप्स मत भूलना, इसमें ब्लू ह्यू अच्छा लगेगा। देखा? वाओ, अब मैं बन गई एक यूनिकॉर्न गॉडेस। छोटी छोटी डिटेल्स का कमाल है और हर छोटी स्पार्कल का। चलो चलें। वाओ, मेकअप मैजिक ने काम किया। ये बस एक तोहफा था। चलो अब मस्ती करो। बाय टूडल्स।
आखिरकार मैं अपनी नई बुक पढ़ सकती हूँ। मेरा क्या? कितना बढ़िया आर्ट सेट है। मुझे जलन हो रही है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ? मैं अपना ब्रश रिपेयर कर सकती हूँ, मुझे बस इसके बाल चाहिए। बस जरा एक देखना ले, इतने काफी होंगे। इसे ब्रश से लगा देती हूँ, अब मैं पेंट कर सकती हूँ। ये देखे हुए लगते हैं, कुछ ज्यादा ही। क्या ये मेरे बाल है? मेरे बाल, ये तुमने क्या कर दिया? ये मुझे दो। हाँ, मैं तुम्हारे और बाल ले लूंगी। ओ, यही रुक जाओ, अब एक ही चीज हो सकती है, डिटेंशन। अच्छा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये हम कहाँ हैं? हाँ, अब हम एक आर्ट चैलेंज करेंगे। ये भी डिसाइड करेगा कि तुम क्या ड्रॉ करोगे। 1, 2, 3, चलो। एक फ्लावर, ठीक है, ये आसान होगा, हमें ये करना ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जरा रुको। लगता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तो एक जीनियस हूँ। पेपर के ऊपर इस तरह ज्वेलरी रखेंगे, अब इसे पेंट करेंगे। ज्यादा पेंट नहीं चाहिए, अलग अलग कलर्स करेंगे। हाँ, इतना काफी है। फिर चेन्स को उठाने के लिए ब्रश के टिप का इस्तेमाल करेंगे, पेंट को थोड़ा फैला देंगे, इससे सारे कलर्स ब्लेंड हो जाएंगे। ये फ्लावर बनाने का मेरा वर्जन है, अच्छा लग रहा है ना? वाह, बहुत पसंद आया। अब मैं अपना मेकअप कर सकती हूँ, यही मौका है, मुझे अच्छा दिखना होगा, मेरी भी कोई रेपुटेशन है। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए। अब मैं अपना फ्लावर बना सकती हूँ। मेकअप ब्रश के साथ पेंट को डैब करेंगे, अब ऐसा ही ग्रीन पेंट के साथ करेंगे, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ी डिटेल्स बनाएंगे और हो गया, कितना खूबसूरत है। इसे यहाँ रख देती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। बढ़िया, मुझे मेकअप करते हुए तंग मत करना, मैं खूबसूरत लग रही हूँ। ओह, टाइम खत्म हुआ, कैसा लग रहा है? जबरदस्त है ना? मेरा ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छे, काफी दिलचस्प है सैरा। मैं जानती थी पसंद आएगा। ओह, अरे नहीं, हंसने की क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर पेंट है, मेरी प्यारी त्वचा। अरे नहीं, ये तुम्हारा आर्ट है सैरा, दुनिया को खुलकर दिखाओ, तुम्हारी पेंटिंग कमाल की है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अगले चैलेंज में आपको यूनिकॉर्न बनाना है। हाँ, मुझे यूनिकॉर्न पसंद है, वो हॉर्स जैसे होते हैं ना, मुझे एनिमल्स बनाने नहीं आते। क्या, जरा ये देखो, काफी कैश है, ये तुम्हारा है, अगर तुम मेरा यूनिकॉर्न ड्रॉ कर दो। सैरा, नहीं, खुद ड्रॉ करो, तुम्हारा ही नुकसान है, मैं इस राउंड में फेल हो जाऊंगी। बहुत ड्रामा करते हैं। मेरे पास इसके लिए एक हैक है, पहले मैं पेपर पर हाथ रखकर इसके आसपास ड्रॉ करूंगी, अब इसे फिल करूंगी। यूनिकॉर्न बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, अब इसमें कलर करेंगे। यूनिकॉर्न के लिए पिंक सबसे सही रहेगा। ओह, कितना प्यारा है, हॉर्न पर भी कलर करेंगे। कितना जल्दी बन गया, हो गया। हाँ, जरा इसे देखो, तुम इतने खुश क्यों हो? इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं मॉली को कॉपी कर सकती हूँ, पर मेरा यूनिकॉर्न अमीर होगा, इससे हॉर्न सही बनेगा। ऐसा आर्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो कैसा लगा? सच में ये तो बिल्कुल मेरे वाले जैसा है। नहीं, मेरा वाला ज्यादा महंगा है, देखो टीचर। ओह, क्या बात है, कमाल कर दिया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, इस बार तुम्हें जीतने दूंगी। ओप्स, ला 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 ला, ओप्स, माफ करना क्लास, तो इधर क्या है? एक स्टार, शुरू करो। ये क्या है? पेंट सप्लाइज, जो भी हो ये मॉली रख लेगी। जरा इसे देखो, वाह, आज का दिन मेरे लिए लकी है।
पेज पर एक टेम्पलेट रखेंगे। अब इस पर अलग अलग कलर का पेंट लगाएंगे। टेम्पलेट के ऊपर पेंट करेंगे, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब टेम्पलेट को हटा देंगे। वाह, रेनबो जैसा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो तुम यही कर सकती हो। मुझे एक कॉल करनी है। हेलो, हाँ मुझे जरा मदद चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? स्टार बनाना है। आसान है, मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखो और सीखो, कुछ और मुश्किल होना चाहिए था, पर क्या ही कर सकते हैं। लो हो गया, जरा देखो। हाँ मैं जानता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। पूरा हो गया। वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम ही मेरी म्यूज हो। तुम भी ना, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, ये तुम्हारे लिए। तुम कितने रोमांटिक हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो चले, मेरी पेंटिंग देखो। इस बार हार्ट बनाना है, तुम्हें और सप्लाईज की जरूरत है। चलो गर्ल्स, इन पेंस को तो देखो। वाह, मुझे सिर्फ यही मिला, सच में? गुड लक। मेरे पास एक आइडिया है, ये बहुत अच्छा दिखेगा। मैं एक बड़ा सा हार्ट बनाती हूँ, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर इसे एक छोटा हार्ट बनाएंगे। परफेक्ट। बकवास है। हे, मेरी ड्राइंग तो देखो, अच्छी है। काश मैं कुछ ड्रॉ कर पाती। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ही बार में पेन और पेंसिल इस्तेमाल करूंगी। अब एक मजेदार हिस्सा, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये काफी है। यहाँ से शेडिंग करेंगे, यहाँ पर शेडिंग करेंगे ताकि शैडो जैसा दिखे। ये सही जा रहा है। अब इस तरह से काट देंगे। मिस, मेरा हो गया। माफ करना। हाँ, अब अपना आर्ट दिखाओ। तुमने दिमाग लगाया मॉली, मुझे पसंद आया। सारा, तुम्हारा हार्ट कहाँ है? वहाँ पर है। ये स्ट्रीट आर्ट जैसा है। दोनों ने अलग अलग चीजें सोची, पर दोनों ही अच्छी हैं। मुझे पसंद आए। हाँ, शुक्रिया। मेरा इंतजार कर रहे हो, चलो इसे घुमाएं। बहुत मजेदार है। ठीक है, एक रेनबो। मुझे बहुत सारा पेंट चाहिए, ये बहुत आसान होगा, बस एक कर्व ही तो बनाना है। हाँ, पर ये मुश्किल लग रहा है। ये ठीक नहीं रहा। वैसे मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। लगता है मैं समझ गई। एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे। अब एक प्यारा सा चेहरा बनाएंगे, इसकी आंखें। अच्छा लग रहा है ना? कितना क्रिएटिव है। हे, ध्यान से। ओप्स, इससे तुम्हारी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब कलर करेंगे। अब इसकी आंखें कलर नहीं करेंगे। कितना ब्राइट पिंक है, ये कलर नेल पर अच्छा लगेगा। अब कॉलर येलो करेंगे और आइस क्रीम। ये कैट कितनी खुश लग रही है और इसकी स्माइल में रेनबो है। मॉली को दिखाती हूँ। कितना फनी है। पहले तो मैं सारा का गिराया हुआ पेंट साफ करूँ, इससे तो ये और खराब हो रहा है। रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, कितना अच्छा आइडिया है। इस कैनवस को पहले ब्लू पेंट किया, अब एक क्लाउड बनाने के लिए स्पॉन्ज इस्तेमाल करेंगे। अब ऑरेंज पेंट ऊपर से गिराएंगे, ऐसे ही बाकी कलर्स के साथ भी करेंगे। लो, हो गया। हे, ध्यान से। टीचर, जरा ये देखो। हाँ दिखाओ मॉली, कितना अलग और कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत। वाह, ये मजेदार है सारा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हमने बहुत अच्छा किया सारा।
मुझे बहुत खुशी हुई तुम आए। हाय, ये तुम्हारे लिए मिकी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। वाह खूबसूरत है, मैं इसे पहनना चाहूंगी। शुक्रिया लिली, अच्छा लग रहा है, तुम सबसे अच्छी हो। शांति मिली, मुझे मिकी को गिफ्ट देना होगा, शायद इसमें कुछ हो। वो मैं अमीर हो गई। ओह शायद नहीं, मैं इसका क्या करूं? चलो शॉपिंग करने चलें। हे भगवान, बहुत बढ़िया चीजें हैं। मिकी को क्या पसंद आएगा? हाय, मैं आपकी मदद करूं? हमारे पास हर किसी के लिए गिफ्ट्स हैं। मुझे मेरी बेस्टी के लिए चाहिए। मुझे वो पॉकेट अच्छा लग रहा है, पर वो बहुत महंगा है। ओह एक डायनासोर, नहीं मैं नहीं खरीद सकती, इतना बजट नहीं है। अच्छा मैं आपकी मदद करती हूँ, मेरे पास एक चीज है। ये कैसा रहेगा? वो ये परफेक्ट है। ये मुझे दो और पैसे भी। मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा, ये कैसा मजाक है, अब सब खराब हो गया। ओ, उदास मत हो, तुम्हें कैंडी चाहिए? हाँ मुझे कैंडी पसंद है, थैंक्स, कम से कम ये मुझे निराश नहीं करेगी। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, ये गमी बेस चाहिए होंगे और एक सर्कुलर मोल्ड। गमी बेस को मोल्ड में डालेंगे, बस ये आखिरी है। अब हमें क्लियर एपॉक्सी रेजिन चाहिए, इसे मोल्ड में डालेंगे और सारे गमी बेस को कवर कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह। लो अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे, अब इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। और मेरा कस्टम ब्रेसलेट बन गया, कितना कलरफुल है, प्यारा है ना? मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत आसान है। ओ रुको, मैं तो भूल ही गई, देखो मेरे पास क्या है। तुम्हें चाहिए? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मैं भी खाऊंगी, मैथ की क्लास में कुछ तो अच्छा हुआ। क्या तुमने कुछ सुना? मैथ इस गम से बहुत जरूरी है, मैं ले रही हूँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम क्लास में स्नैक्स कैसे लेकर जाएं? आउच, मेरा हाथ। एक मिनट रुको, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरे हाथ पर बैंडेज लगा दो। शुक्र है मुझे फर्स्ट एड आता है। मैं इस गम को तुम्हारे बाजू पर इस तरह लपेट देती हूँ, ध्यान रहे कि ये कस कर बन जाए। वाह अच्छा लग रहा है, चलो क्लास में चलें। अब स्नैक खाएं। ये बैंडेज बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। ओह सच में अच्छी है। ये आवाज कैसी है? लड़कियों तुम फिर से कुछ शरारत कर रही हो? हम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम किया। मॉम के स्नैक्स लेने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वो वेंडी, जरा ये देखो, क्या ये जंबो मार्शमेलोज है? ये कमाल के लग रहे हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें किसी ने शेयरिंग नहीं सिखाई। केक मत छीनो। ठीक है मैं अपने लिए एक पीस ले लेती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? मैं भी कर सकती हूँ। हाँ ये क्या है? खैर हमारे पास खराब करने के लिए समय नहीं है, मैं अपने पेट में ये और कितना फिट कर सकती हूँ, मेरे पेट में तो बहुत जगह है। सारे मार्शमेलोज मत लो, तुम्हें मुझसे ज्यादा फ्रॉस्टिंग मिली है। तुम बहुत मतलबी हो। केक फाइट। ओह गर्ल्स, तुमने दूसरा केक खा लिया, तुम्हें ये वाला नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो तुम्हें तमीज से खाना चाहिए, तुम्हें एक मग चाहिए ताकि बिल्कुल सही साइज का पीस तुम्हारे पास आए। चलो ये लो लड़कियों, और पक्का ये दोनों सेम साइज के हैं। आप सबसे अच्छी हो। मेरी प्यारी बच्चियों के लिए कुछ भी।
लगता है सब तैयार है। मैं चाहती हूँ ये पार्टी परफेक्ट हो। एक मिनट रुको, ये ठीक नहीं लग रहा, पर हम इसे ठीक कर देंगे। इन कपकेक्स को यहाँ रखेंगे, इसे सीधा कर देते हैं। कैसा लग रहा है? मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। हे लिली, अच्छा लग रहा है। ओ नहीं मिकी, बैठ मत जाना। हाँ नहीं, ओ नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये काउच इतना स्क्विशी क्यों है? ओ नहीं, मैं केक्स पर बैठ गई। इतने भी बुरे नहीं लग रहे। ओप्स, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक कर सकती हूँ। वो कहाँ जा रही है? देखा, मैंने कहा था ना मैं। ओ, मेरी चिंता मत करो, केक्स को बचाओ। ओ नहीं, केक्स की बारिश हो गई। तुम ठीक तो हो मिकी? ये प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो लिली, मैं बस मदद करना चाहती थी। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? पार्टी खराब हो गई, ये गलती से हुआ। जरा रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। पहले ये पॉप्सिकल मोल्ड्स लेंगे, मोल्ड में केक पीसेस डालेंगे, रेनबो इफेक्ट बनाते हुए। बस ध्यान रहे ये अच्छे से प्रेस कर दे। अब अच्छा लग रहा है, हमने केक में पॉप्सिकल स्टिक्स लगा दी। अब इसे मेल्टेड चॉकलेट में डुबोएंगे। बस चॉकलेट को सेट होने देंगे। अब इसे चॉकलेट से ही सजाएंगे, इस तरह ड्रिजल करेंगे और अलग अलग कलर के चॉकलेट से इसे सजाएंगे। कितनी बढ़िया लग रही है। एक बार व्हाइट चॉकलेट के साथ भी करेंगे। देखो मेरे पास क्या है। वाह, बहुत यम्मी लग रहे हैं, मुझे पसंद आया मिकी। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। हे पेनी, देखो। क्या हुआ, क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट जीन्स थी। शर्म की बात है। इस किचन को तो देखो, इधर आओ, बहुत अच्छा आ गया है। चलो, शानदार। मैं भी ट्राई करता हूँ। रेडी सेट बूम, मजा आ गया। ये रहा एक प्लेन पिलो। ये हुई ना बात, मैं और किसे कलर करूँ? ये बहुत अच्छा लगेगा। और क्लीनिंग टूल्स को भी करेंगे, पॉपिट्स को भी। मैं सोच रही हूँ रेनबो हैट। वो वाह, अगला मैं करता हूँ। मुझे हमेशा से रेनबो हेयर चाहिए थे। हम इन पैनकेक्स का कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्या खराब हो गई? मैं ट्राई करता हूँ। गो गो, अभी भी ये ब्राउन है। हाँ, लगता है बैटरी लो हो गई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम कलर पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनकेक्स को पेंट कर देंगे। नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हम खा भी सकते हैं। बैटर में फूड कलरिंग डालें। देखो कितना अच्छा रेड कलर है। अब हम इसे इसमें डालेंगे। पूरा रेनबो बन गया। जादू की जरूरत किसे है? क्या तुमने वो सुना? यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया? ये कितना कूल है। मुझे अक्सर ऐसे ही सोना चाहिए। मुझे पेंटिंग पसंद है, इसमें बहुत सुकून है। अब मैं लाइट पिंक कलर करूँगी, ये बहुत सुंदर है। मुझे किसी का मैसेज आया, देखते हैं। एक रेनबो पार्टी, तो चलते हैं, मजेदार होगी। ठीक है, मुझे उसी हिसाब से कुछ पहनना होगा। ओप्स, पेंट ब्रश। ठीक है, तो व्हाट डॉल तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा रेनबो ही बनना होगा ना। अरे रुको, मेरे पेंट्स, ये कितने कलरफुल है, मैं इनसे कुछ कर सकती हूँ।
मैं जीनियस हूँ। ठीक है, अब मैं रेनबो फाइट होने वाली हूँ। मुझे बस पेंट्स और पेंट ब्रशेस चाहिए। दोनों कलर्स को साथ में लेंगे और अब इनको आँखों पर लगाएंगे। अब कलर्स को बदलेंगे और नीचे लगाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक रेनबो पार्टी है। मुझे और कलर्स चाहिए। मुझे इसके लिए बड़ा ब्रश चाहिए होगा। ठीक है, ये कलर्स ब्रश पर आ गए तो ये पेंट करने के लिए तैयार है। चलो अब ये मेरे लिप्स पर लगाएंगे। हाँ, अब लगाएंगे एक ग्रीन मस्कारा। मजेदार है। लैशेस पर कलर जरूर आना चाहिए। ओह हाँ, मुझे थोड़ा ब्राउन कलर भी चाहिए। ये ऑरेंज है। दोनों को शेप में रखना होगा। काफी बढ़िया लग रहा है। ये देखो, बस थोड़ा सा और हो गया। और अब थोड़ा सा और। हे भगवान, ये ब्लू फ्रेकल्स कितने सुंदर है। काश हमेशा मेरे ये छोटे ब्लू फ्रेकल्स रहते। ठीक है, मेरा रेनबो मेकअप पूरा हुआ। हाँ, ये क्या है? इन लाइट्स को तो देखो। वो ये एक रेनबो पार्टी है और कितने कूल है। वो तुम्हारा मेकअप कितना जबरदस्त है, तुमने खुद किया। ये मजेदार है, ये रेनबो पार्टी के लिए अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है तुम पानी के बारे में सब जानते हो? अब समय है तुम्हारा दिमाग हिला डालने का। अगर ये चीजें मिला दी जाएं तो क्या होगा और हमें क्या करना है? शायद हमें खुद ही पता लगाना होगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बोतलें हैं। ये मुश्किल है। वैसे ये करना कैसा रहेगा? मैं नहीं जानती। ओ वाओ, कितने मुलायम हैं। हेलो देयर। क्या इससे कुछ होगा? लगता नहीं। रुको, मुझे एक बॉटल दो। ठीक है, पहले मैं इसमें बॉल्स डालूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे रेनबो की बारिश हो रही है। क्या? हाँ, चलो बोतलों में थोड़ा पानी डालें। ठीक है, ध्यान से, अब गिराना मत। कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है। हो गया। मेरा कार्ड, अब ये कार्ड इस पर रखते हैं और उल्टा करते हैं। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। और अब क्या? अब समय है जादू का। ये देखो। हाँ, मेरे प्लान ने काम कर दिखाया। देखा? वाह, लग रहा है जैसे ये सब नाच रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या बात है। हाँ। वाह। हाँ, एक और चैलेंज के बारे। तुम इस बार पहले क्यों नहीं देखते? रुको, मैं सच में? हे भगवान, बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, क्या तुमने ये देखा? पूरा केक है और इसके ऊपर कुकीज और डोनट्स भी लगे हैं। इतना जबरदस्त है ना? तुम्हें पता है मैं ये खाने वाला हूँ। वाह, इससे अच्छी चीज मैंने कभी नहीं खाई। हाँ, ये सच में अच्छा लग रहा है। इस तरफ से भी मैं खाने से रुक नहीं पा रहा। वाह, तुमने तो एक बार में ही ये सारा खा लिया। वाह, मुझे भी केक मिला। इसके ऊपर डोनट्स और कैंडीज हैं। क्या ये मार्शमेलोज हैं? लगता तो है ये तो स्वीट ट्रीट्स का एक पूरा स्मोक गैस बोर्ड है। इसका स्वाद भी पक्का उसके जैसा ही अच्छा होगा। इस चम्मच से तो ये कब तक लगी रहेगी। मैं मदद कर देता हूँ जब तक वो नहीं देख रही। मैं जरा एक चम्मच घुमा लूँ तो चलूँ। वाह, कितना स्वाद लग रहा है। उसे पता भी नहीं चलेगा मैंने ये लिया। चक्कर देखते हैं। एक और बाइट खाती हूँ। हाँ, ये क्या है? इसमें से इतना सारा मिसिंग है और मैं जानती हूँ ये किसने किया। हे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारा केक लूंगा? नहीं। खैर, जो भी है, मैं ये टॉपर्स ट्राई करूंगी। मुझे मार्शमेलोज बहुत पसंद है। मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। बस ऊपर से ही लूंगा। चलो भी। हाँ चलो, इसे खा जाए।
हाँ, ये आवाज कैसी है? Hey, ये कैसे हो सकता है? तुमने लगभग मेरा आधा केक खा लिया। हाँ, क्या मैंने? नहीं, ये मैंने नहीं किया। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कसम से, तुम्हारे दांत तो कुछ और ही बता रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? लो जरा देखो केक। चोर? देखा, मैंने कहा था ना। मेरे आसपास हर चीज बिल्कुल बेरंग है। हाँ, ये काउच कुशन में क्या हो रहा है? वो ये तो एक पॉपेट है, और वो भी रेनबो के कलर्स का। बहुत सुंदर है और मजेदार भी। वो अब कुछ और हो रहा है। हे भगवान, निकलो यहाँ से। ये क्या, यहाँ हो क्या रहा है? शायद मैं सपना देख रही हूँ। चुटी काट कर देखती हूँ। ओह हेलो, हाय। हे भगवान, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं, पर मेरे अच्छे नहीं हैं। खैर, उदास मत हो, हम तुम्हारी जिंदगी में भी रंग लाएंगे, और पहले तुम्हारे बालों से शुरू करते हैं। ओह, मुझे नहीं पता। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम्हें इस पिंक कलर से सुंदर बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पर येलो और ग्रीन भी। लो हो गया, बताओ कैसा लगा? अब मेरे बालों में स्ट्रीक्स है। अरे वाह, पहले से अब काफी बेहतर लग रहा है। ओह, अब ये पूरा नहीं हुआ। ये देखो, बस थोड़ी सी ग्लिटर का जादू। वो इसमें से चीजें भी निकलती हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम तुम्हारे बालों में भी थोड़ी स्पार्कल डालेंगे। इस तरह के स्टार्स अच्छे लगेंगे, और बाकी कलर्स पर इस तरह के जेम्स। ओह, ये एम्बर कलर ट्रायंगल्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तुम चमक रही हो। इस तरह ये जेमस्टोन्स तुम्हारे बालों पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह, अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। अब मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। ओह, पर मेरे कपड़े, ये तो अभी भी बहुत ही बोरिंग है। अच्छा, तो मैं उसका भी कुछ कर सकती हूँ। वो ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, ये यूनिकॉर्न मैजिक का हिस्सा है। बस ऐसे ही रहो। हे भगवान, मेरे कपड़े बदल गए, और ये करना मुश्किल भी नहीं था। पहले एक ब्लैंक टी शर्ट लेंगे, और थोड़ा प्लास्टिक। आपको इसे बटरफ्लाई के शेप में काटना होगा, और पेंट रोलर पर पेंट के अलग अलग कलर्स लगा दें। जो भी कलर चाहे वो लगा सकते हैं, पर रेनबो बनाना हमेशा मजेदार लगता है। अब हम शर्ट को पेंट करेंगे। बस कटआउट सेक्शन के बीच में हम इस तरह पेंट लगाएंगे। हो गया, अब प्लास्टिक को हटा देंगे, और ये कमाल का लग रहा है ना। वाह यूनिकॉर्न, तुमने तो इसे बहुत आसानी से बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इन कलर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे लगा कस्टमर मिल गया, कोई मेरी चॉकलेट नहीं खरीद रहा। हे, ये लो। यार, सबको चॉकलेट पसंद होती है, मैं क्या गलत कर रही हूँ? अब मैं पापी नहीं ले पाऊंगी। मैं करूँ क्या? खैर, ये सपना ही बनकर रह जाएगा। लैंडिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, पर मैं आ ही गई। ओह हाय लिली, उदास क्यों हो? तुम्हारी चॉकलेट कोई खरीद नहीं रहा, मैंने हर कोशिश की। ओ, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। वो क्या ये सेफ है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम उस कैसल में जा रहे हैं। मेरे किचन में स्वागत है। वाओ, इतनी सारी कैंडी, कितना कूल है। हमें स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनानी होंगी, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले हमें मोल्ड चाहिए, मोल्ड में चॉकलेट हार्ट बनाएंगे। ओह कितना प्यारा है। थोड़े और बनाएंगे, पर अलग अलग चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे, हम चाहते हैं कि अच्छा दिखे। अब इन्हें कवर कर देंगे। ये पर्पल चॉकलेट कितनी वाइब्रेंट है। मोल्ड को अच्छे से भर देंगे। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे। अब इसे मोल्ड से निकाल लेंगे, और ये तैयार है। कितनी सुंदर है, तुम्हें कैसी लगी? वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी लग रही है। अब जाकर इसे बेचो, ये जरूर काम करेगी। दुकान खुल गई है। मैं पहले आया था। सबके लिए काफी है, सब बिक गई। वाह ये देखो, अब मैं अपना डॉग ला सकती हूँ, और ये सिर्फ मेरी फेरी कॉर्ड बदर की वजह से हुआ है। तुम कितने प्यारे हो। तो ठीक है, अब अगला क्या करें? नूडल्स। नूडल्स किसे नहीं पसंद है ना? पर हाँ, मुझे वो कलरफुल चाहिए।
चलो रेनबो नूडल्स बनाओ। हाँ रेनबो नूडल्स, मैं नहीं जानती है कैसे किया जाए। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये कहाँ से आ गया? देखते हैं इसमें क्या है। हे, इसमें तो कुछ नहीं है, ये खाली है। ओह बेचारी लड़की, प्लेट में देखो। ओह प्लेट, अरे हाँ मुझे लगा इसमें होता है। लगता है हमें इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं और कलर भी। हे ये मुझे दो। ठीक है, ये रहा एक पानी का बोल, इसके अंदर रेड कलर डालते हैं। हो गया, इतना काफी है। अब इसके अंदर रामेन नूडल्स डालेंगे। इसे मिलाना होगा ताकि नूडल्स थोड़े ढीले हो जाए और कलर मिक्स हो जाए। जरा इसे देखो, नूडल्स भी रेड हो गए होंगे। अब इन्हें बाकी कलर्स के साथ प्लेट में वापस रख देंगे। खुशबू तो अच्छी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ना स्वादिष्ट लग रहा है वो, शानदार। हे हाथों से नूडल्स नहीं खाएंगे, तुम यही रुको, मैं चम्मच लेकर आती हूँ। ओह न्यूटेला, अरे वाह ये क्या है? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? मैं नहीं करना चाहता था। वाह ये तो घूमती ही रहेगी, मैं थक गई हूँ। कितना समय लग रहा है, मैं और कितना इंतजार करूँ? नहीं तुम हाथ से नूडल्स नहीं खा सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत हुआ, अब ये नूडल्स मेरे हैं। हे रुको, वो नूडल्स खा रही है। ओ नहीं वो आ गई, मुझे लेकर भागना होगा। मुझे फोक मिल गए। हाँ नूडल्स कहाँ चले गए? उसे लगता है वो मुझे छिपा लेगी, मैं नूडल के साथ साथ ही जाऊंगी। हाँ तुमने मुझे ढूंढ लिया। जब तक मैं गई तुमने सारे के सारे नूडल्स खा लिए। नहीं सारे नहीं, तुम्हारे लिए अभी भी बचे हैं। वाह ये कितना ग्लिटरी है, साथ में खोले। हाँ ओ, अरे वाह मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, मुझे ये चाहिए। नहीं क्रिस जरा वो देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओ, क्या बस यही बचा है? क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ये मेरा है। ओ, कितना मजेदार है वो, ये कहाँ से आया? कितना मजेदार है, ला 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 ला। कितना फ्लफी है। ओ, मुझे वो चाहिए, शायद इससे भी वो होता हो। ये बोरिंग है, रुको मेरे पास एक आइडिया है। एब्सॉर्बेंट बॉल से शुरू करते हैं, थोड़ा पानी डालें, बॉल्स को पानी सोखने दें। अब एक खाली सोडा बॉटल लें, अब एक फनल की मदद से इसमें बॉल्स। अब बॉटल के ऊपर एक फूला हुआ गुब्बारा लगाएं, इसे उल्टा करें और बॉल्स को गुब्बारे में जाने दें। अब इसकी हवा बाहर निकाल लें और इस पर एक गांठ बांध दें। ये बन गई एक स्क्वीज स्लाइम बॉल। वाह कितना आसान था, अच्छा लग रहा है, मैं पूरा दिन कर सकती हूँ। वाह चलो ये साथ में करें। ये लो देखते हैं, वो जरा ये देखो, मुझे भी ये मिला, हालांकि मेरा वाला रेनबो कलर्ड है। हे शायद मेरा खाने लायक हो। खाना, अरे वाह कितना कूल है, क्या वो मुझे अपना दिल दे रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी चिंता किए बिना मैं ये खाऊंगी, स्वादिष्ट लग रहा है। रुको ये क्या है, क्या ये बस रबर है? ओह मैं इसे स्ट्रेच भी नहीं कर पा रही, ये खाने लायक है ही नहीं। खैर बुरा हुआ, कम से कम मैं इसके साथ खेल तो सकती हूँ। पता नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। हाँ वो उदास लग रही है, मुझे इसका कुछ तो करना होगा। हे जरा इधर देखो, तुम्हें मेरा हाथ चाहिए? वाह हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कितने आराम से अलग हो गया, हे भगवान अब जरा उसे देखो, वो कितनी खुश लग रही है। शुक्र है मैंने वो बांट लिया और उसे बड़ा वाला पीस मिला, ये बहुत अच्छा है, मुझे एक और बाइट चाहिए। वो एक सेकंड रुको, तुम्हें शीशे में अपनी नई लुक देखनी चाहिए। नई लुक, तुम्हारा क्या मतलब है? हे भगवान अब तुम बिल्कुल मेरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो, एक परफेक्ट मैच। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हम एक बहुत ही स्टाइलिश कपल बनेंगे। इसमें बहुत दिमाग लगेगा, इस सवाल का जवाब पता है? कोई आइडिया नहीं है। शायद मुझे पता है, मुझे हरा दिया। देखो क्या सच में?
ये काम नहीं कर रहा। अच्छी कोशिश थी क्लोए। समझ गया, इस तरह करो, इस पेन को देखो, इस तरह इंक बाहर निकालो, फिर अपने मुंह से फूंक मारो। हरी इंक बाहर आती हुई दिख रही है। अब अपना मनपसंद हेयर मास्क लो और उसमें इंक मिलाओ। अच्छे से मिलाना मत भूलना। इस खूबसूरत रंग को देखो। चलो ट्राई करें। ठीक है, पहले स्ट्रैंड पर हरा रंग लगाएं, फिर ऊपर फॉइल लपेट दें। अब पर्पल से एक और स्ट्रैंड रंगे। हाँ, हो गया। नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए रहने दो। ठीक है। मेरे ख्याल से ये तैयार है। सच में कूल। हाँ, ये बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया रंग आया है। टडा, देखकर अच्छा लगा? एक मिनट, वाह, मैं रेनबो प्रिंसेस लग रही हूँ। ये बहुत कूल है, तुम्हें काम शुरू कर लेना चाहिए। हो सकता है। हाँ, तो चलो, मुझे लग रहा है इस बार मैं लकी हूँ। अरे यही रुक जाओ, हम साथ में खोलेंगे। 3, 2, हाँ हाँ, 1। अरे वाह, ये तो मेरा मन पसंद है, दूध और कुकीज। यम, स्वादिष्ट लग रहा है। हे, तुमने वो स्किप कैसे कर दिया? मैं वो साथ में खोलना चाहती थी। जो भी है। अरे वाह, मुझे डेजर्ट और ड्रिंक मिली, मैक्रोन्स और जूस, कितना कलरफुल है। रेनबो डेजर्ट किसे चाहिए? देखो यहाँ क्या है, चॉकलेट कुकीज और व्हाइट मिल्क। चॉकलेट कुकीज, व्हाइट मिल्क। हे भगवान, तुमने मेरा दिल दुखाया है। मुझे बुरा लग रहा है, मेरी कुकीज की बेइज्जती हो गई। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, तुम्हारी कुकीज बिल्कुल कचरा है। ओह, अब तो तुम नहीं बचोगी। तो तुम्हें ये मूव कैसी लगी? ठीक है, तो मैं ये करना चाहूँगा। तुम्हें लगता है ये मूव बहुत कूल दिखती है? कितना आसान है। जी हाँ, तो अब ये वाली मूव तो देखो, ये लो। सच में ये तुम्हारी बिग मूव है? खैर जो भी है, अब मैं अपनी मूव तुम पर खराब नहीं करूँगा। एक सेकंड रुको, ये कुकी, बिल्कुल मैं इससे ही जीतूँगा। हे यूहू, यहाँ देखो। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास भी मैक्रोन है। तो ठीक है, सारी क्रीम एक साइड पर आ गई। वाला, एक परफेक्ट कुकी स्प्लिट। बस यही तुम्हारी बिग मूव थी, इतना आसान है। ओ नहीं, मेरा मैक्रोन तो मेरे हाथ में ही टूट गया। हाँ, तुम्हारा मैक्रोन मेरी अल्टीमेट मूव के सामने बहुत हल्का था। नहीं, मैं कर सकती हूँ, देखो। रुको, मैं एक और ट्राई करूंगी। नहीं, ये सब टूटे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, मैंने कहा था ना नहीं कर पाओगी। मेरे रिवॉर्ड की बारी, हम इसे दूध में डुबोएंगे। बहुत अच्छा है, ये मेरे मन पसंद है। हाँ, इतनी बढ़िया कुकीज और दूध। खैर, स्वाद तो इसका अभी भी अच्छा होगा, तो मैं ट्राई कर देख लेती हूँ। ये लिक्विड की वजह से गिरे जा रहा है, गलत बात है। देखते हैं क्या है, ये रहा हमारा क्लाउड। देखो, बूम, ये है तुम्हारा अगला चैलेंज, रेनबो क्लाउड। कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना, तो क्यों ना इसे शुरू किया जाए। क्या रेनबो क्लाउड? क्लाउड्स खाने लायक नहीं होते, मुझे बस कोई अच्छा आइडिया ढूंढना होगा। रुको, मैं नहीं सोच पा रही, चलो मुझे अपना आइडिया बताओ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, हम ये क्लाउड लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल नहीं, ये बकवास है। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है? बहुत सिंपल है, पहले देखेंगे कौन सा क्लाउड पसंद आ रहा है और फिर उसे खींच लेंगे। हाँ, ये काम कर सकता है। ठीक है, इसी आइडिया पर काम करते हैं। हाँ, लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। बस अपनी यूनिफॉर्म पहन लूँ, हेलमेट लगा लिया, अब मैं अपने क्लाउड को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर मिलते हैं, बाय। और मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना होगा, मेरे दिमाग में भी कुछ आइडिया आएगा। वो, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और सब खाली है? मुझे भूख लगी है। हे, इस प्लेट को देखो, खाना है। मुझे वॉफल सैंडविच बहुत पसंद है। ओह, खुशबू बहुत अच्छी है। ओह हाँ, ये तो मैं बस सोच रही थी। पर एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। इस बैटर को अलग अलग बोल्स पे डालेंगे। इसका स्वाद अच्छा होगा, मैं जानती हूँ, पर मुझे कलर करना होगा। एक पॉइंट यहाँ, इस बोल में रेड। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
मैं ब्लू येलो और पर्पल भी बनाऊंगी। हो गया, मेरे बैटर्स में कलर हो गया। अगले स्टेप के लिए तैयार है। अब मैं इस वॉफल आयरन के ऊपर ये बैटर डालूंगी, ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे रेनबो वॉफल चाहिए और मुझे और कलर्स भी डालने हैं। हो गया, अब इन वॉफल्स को कुक करना शुरू करते हैं। टडा, मेरा रेनबो वॉफल बन गया। अब इसके ऊपर व्हिप क्रीम डालेंगे। मैंने अपने रेनबो के साथ क्लाउड्स भी बनाए हैं। अब थोड़ी स्प्रिंकल्स डाल देंगे। कितना सारा कलर आ गया, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, इतना काफी है। हो गया, ये वो इससे अच्छी चीज मैंने कभी नहीं बनाई। ओह, तुम क्लाउड हंट से वापस आ गए, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मेरा क्लाउड देखो। हे रुको, वो कहाँ गया? अरे नहीं, वो तुमने ये रेनबो वॉफल खुद बनाया है? मुझे दो। तुमने ये मेरे बिना कैसे किया? स्वाद बहुत अच्छा है। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं था। ओह चलो तुम खा लो। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। हे भगवान, मुझे भी डोनट्स चाहिए, पर कलरफुल डोनट्स ज्यादा बेहतर रहेंगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हे भगवान, लगता है ये हमारा पहला चैलेंज होने वाला है। मैं जानती हूँ क्या करना है। जरा रुको। क्या तुम हमेशा मुझसे सामान ले लेती हो? अरे वाह, तुम तो बैटर मिक्स कर रही हो। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बेकिंग में माहिर हूँ। इस बैटर को हम कप में डालेंगे, इतना काफी है। अब हमें कलरिंग ऐड करनी है। पहले ब्लू डालेंगे। अब इसे कप से निकाल लेते हैं। अब बैग को स्क्वीज करेंगे, ऐसे कलर मिक्स हो जाएगा। अरे वाह, अब डोनट मोल्ड की बारी है। अलग अलग कलर्स डालेंगे, ये बहुत सुंदर दिखेगा। मैं जानती हूँ, मैंने इन सारे मोल्ड्स को भर दिया है, बस आखिरी वाले को येलो से भरेंगे। बढ़िया लग रहे हैं, अब इन्हें अवन में रख देते हैं। मुझे अपना काम करना होगा। शुक्र है मेरे पास सामान है, मुझे कुछ भी स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ा, वो बोरिंग होता है। मेरे छोटे छोटे डोनट्स तैयार हो गए हैं, अब मुझे इन्हें पेंट करना है। कितने प्यारे हैं और सुंदर भी। मुझे एक कलर समझ नहीं आ रहा, तो मैं स्प्रिंकल्स लूंगी। थोड़ा पेपर चलेगा। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं रो दूंगी। एक ट्राई करके देखती हूँ। चलो ग्रीनी, आओ। हो गया, काफी देर से वेट हो रहा था। खुशबू तो अच्छी है, काफी कलरफुल लग रहे हैं। हाँ, बिना डेकोरेशंस के डोनट्स का क्या काम। इसे निकाल कर इस फ्रॉस्टिंग में डिप करते हैं और इस तरफ से इसे स्प्रिंकल्स में डिप करेंगे। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे प्यारे से रेनबो डोनट्स। मुझे अपने डोनट्स पसंद नहीं है, इन्हें खाने से दांत में दर्द हो रहा है। अरे वाह, तुम्हारी डोनट्स तो कमाल के लग रहे हैं। तुम्हें रेस्ट किया जाता है। रुको, तुम्हें वो खुशबू आई? हाँ बहुत अच्छी है। रुको, वो चली गई, अब मैं भी निकलती हूँ। वो यही कहीं से आ रही है, वो खुशबू तो इस टेबल से आ रही थी। ओप्स, मैं जरा छिप जाती हूँ। तुम में से किसी ने यहाँ कुछ किया है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने ही खजाना चुराया है। हाँ मुझे ले जाओ। ये क्या, इतना गोल्ड और कैश उसके पॉकेट में पड़ा था? जिसने भी ये डोनट्स बनाए हैं वो एक जीनियस है। हे भगवान, ये बहुत अच्छे है, इससे अच्छे डोनट्स मैंने कभी नहीं खाए। है ये तुम्हारे पास क्या है? ओह, कुछ भी नहीं, मैं इसे हटा लेती हूँ। खैर, जैसा तुम कहो। कितने अच्छे डोनट्स हैं। हाँ, मैं यहीं नीचे रहूंगी। याइक्स, बाल बाल बचे। ओह, क्रिस वापस आ गया। हे, क्या हुआ? तुम जानना चाहती हो? लो देखो। ओह, बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करना। ओह, मैं जानती हूँ तुम कैसे खुश होगे। टडा! क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बेवकूफ मत बनो, लो मजे करो, देखो अच्छा है ना? ओह ठीक है। ठीक ही है, अच्छा है, मुझे पसंद आया। तुम ठीक कह रही हो, मुझे बेहतर लग रहा है, मैं रुक नहीं पा रहा। क्रिस, हे, तुम्हें कोई बुला रहा है? क्रिस, कुछ काम नहीं आया, मुझे टेस्ट दो। ये चलेगा, एक लाइन यहाँ और एक यहाँ, उसने काफी अच्छा किया। हे, देखो तुम्हें A+ मिला। कोई असर नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ? ये देखो A+, अच्छी कोशिश थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये चाहिए था तो बोल सकती थी, मैं बस मदद कर रही थी।
तुम ठीक कह रहे हो, ये मजेदार है। कहा था ना। ये इतना भारी क्यों है? ठीक है, बहुत हुआ, हमें पूरी मेहनत करनी होगी। एवा, मैं यूनिकॉर्न मैजिक से हटा देती हूँ। वो शुक्रिया, अब इस कॉटन को यहाँ से हटाते हैं। बस बस थोड़ा सा और। एवा, तुम बहुत प्यारी हो, लाओ मैं मदद कर दूँ। ओह शुक्रिया, मैं उलझ गई थी। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दोबारा हो ही ना? क्यों ना हम ऊन से शुरू करें? इस तरह मैं ऊन को अपने हाथ पर लपेटूंगी। हो गया, जब इतना हो जाए तो इसे फिंगर से निकाल लेंगे। अब बीच में थोड़ी और ऊन लपेटेंगे, बांध देंगे और एक कैंची लेंगे और कोनों को इस तरह काट देंगे। हर एक कटना चाहिए और इसकी एक पूंछ छोड़ देंगे। परफेक्ट, हमने ऊन से प्यारी सी पफ बॉल बनाई है। हमने जो बाकी कलर्स के बनाए हैं इसे उनके साथ रख देंगे। जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ ही इसे बांध देंगे, पालतू का हिस्सा काट देंगे। अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो चलो, मैंने तुम्हारी विंडो के लिए नए कर्टन्स बनाए हैं। प्यारे है ना? तुम्हें इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा? हर किसी का कलर और साइज अलग अलग है। धूप में ये बहुत प्यारे लगते हैं और इससे ये जगह और बढ़िया बन गई। मुझे पसंद आया यूनिकॉर्न। तारीफ करने के लिए शुक्रिया एवा। ओह, लगता है यहाँ पर भी काम करने की जरूरत है, पर हमें यहाँ और कलरफुल बॉल्स काम आएंगी। यहाँ पर मुझे अपनी हॉट ग्लू की जरूरत पड़ेगी। बस बॉल पर थोड़ी ग्लू लगाकर इसे स्टूल पर चिपका देंगे। बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। एक रेनबो पैटर्न बनाएंगे। ता-दा! एवा देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्टूल बनाया, तो तुम्हें फर्श पर बैठने की जरूरत नहीं है। वाह, कितना आरामदायक है। शुक्रिया यूनिकॉर्न। और मैंने तुम्हारे लिए ये पिक्चर बनाई। तुमने मेरे लिए बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें इसे यहाँ पर दीवार पर टांगना चाहिए या फिर यहाँ पर। एक सेकंड रुको, मुझे एक आइडिया आया है। पहले एक ब्लैंक कैनवस लेंगे और थोड़ी हॉट ग्लू। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब इसके ऊपर ऊन लगाएंगे और फिर अलग अलग कलर्स की और ऊन लगाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है हम अभी भी रेनबो ही बनाने वाले हैं। कैनवस के बिल्कुल आखिर तक इसे लगाते जाएंगे। बस ये ऊन का आखिरी हिस्सा है और कैनवस पूरा हुआ, और हम इसे अपनी बाकी आर्टवर्क्स के साथ लगा देंगे। वाह यूनिकॉर्न, ऐसा लग रहा है मैं म्यूजियम में हूँ। यहाँ पर कितने सारे आर्ट हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे खुशी हुई हमने इस जगह पर हर चीज रेनबो वाली कर दी। ठीक है, रात को मिलते हैं मॉमी। रुक जाओ, तुम्हारे पास खाना तो नहीं है? हाँ, मैं जानता था यहाँ खाना नहीं ला सकते। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर मिलते हैं। जो भी हो। वो! आउच, बहुत जोर से लगा। ओ नहीं, मेरे कैंडी। मैं मदद करता हूँ। हाय। हेलो, मुझे तुम्हारी मूछें पसंद आई। शुक्रिया, मैंने ही बढ़ाई है। और खाना नहीं ले जा सकते? ओह, ये तो गलत बात है, तो मुझे खुद ही उठाना होगा। रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। एक हेयर ब्रश के ब्रिसल्स निकाल ली। अब इसके ऊपर कैंडी रख दें। अब हैंडल पर वापस ब्रिसल्स लगा दें। अब हमारे पास इसके अंदर कैंडी है। मैं चाहती हूँ मेरे बाल अच्छे दिखें। तुम दोबारा आ गई। रुको, इस बार खाना तो नहीं लेकर जा रही? मैं वो सोचती भी नहीं। तुम पूल में जा सकती हो। थैंक यू। क्या दिन है। हेलो, डिनर में क्या है मॉमी? मैं नहीं जानती थी, बस थोड़ी सी कैंडी के लिए ये करना पड़ेगा। पर अगर मन करे तो कुछ भी करना पड़ता है। ये रही सारी कैंडी। यम्मी। मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारी कंटेस्टेंट्स ने क्या बनाया। ओह, हमारी पहली कंटेस्टेंट अपनी डिश के साथ आ गई। ठीक है, तो दिखाओ तुमने क्या पकाया। हाँ ठीक है, मैंने अपना फेवरेट डिजर्ट बनाया, बनाना फ्रूटी पलूजा। ये क्या चीज है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने प्लेटिंग पर खास ध्यान दिया है। मैं चाहती थी कि खाने के साथ इसका कलर बैलेंस हो। ये बस फ्रूट और कैंडी ही है। ये रहे तुम्हारे स्कोर्स। माफ करना, ये कैसा मजाक है। ठीक है, अगला कंटेस्टेंट प्लीज। हेलो हेलो, ये रही मेरी डिश। आपसे मिलकर अच्छा लगा। खैर, मैंने अपनी कुकिंग जर्नी जवानी में शुरू कर दी थी। हाँ, मेरी डिश बिल्कुल ये रही। तो पेश है कैरमल रिडक्शन सॉस के साथ मार्शमेलो मिंट। क्या, मुझे यहाँ से दिख भी नहीं रहा, ये बहुत छोटा है।
मुझे ये सब। वो अभी भी बात कर रहा है। हम थक गए। क्या ये मेरे स्कोर्स कैसे हो सकते हैं? ओह, ये कॉन्टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर शायद तुम्हें मेरी डिश समझ ही नहीं आई। हाय, मैं कॉन्टेस्ट के लिए आया हूँ। एक बच्चा? सच में? तो हमें अब बच्चों से कम्पीट करना होगा। ठीक है, खैर तो मेरा खाना देखो। वाह, कितना सुंदर रेनबो केक है, देखने में ही कितना जबरदस्त लग रहा है। रेनबो फ्रॉस्टिंग बनानी आसान है, आपको बस फ्रॉस्टिंग कलर्स लेने हैं और इन्हें एक प्लास्टिक रैप पर लगाना है। आपको अपने रेनबो पर जितने रंग चाहिए आप लगा दें। ये देखो, मैं पर्पल कलर से इसे पूरा करूंगी। अब इस प्लास्टिक रैप को रोल करेंगे। अच्छे से टाइट होना चाहिए, पर इतना टाइट भी नहीं कि मिक्स हो जाए। जब ये हो जाए इसके कोने को कैंची से काट देंगे और अब इसे पाइपिंग के लिए पेस्ट्री बैग में डाल देंगे। जी हाँ, हम डेकोरेटिंग स्टेज के लिए तैयार है। ये रही रेनबो फ्रॉस्टिंग। हाँ, ये काम किया और देखो ये कोने से कितनी सुंदर लग रही है। बस थोड़ी सी और लो, ये पूरा हुआ। अब हम बीच में भी थोड़ी लगाएंगे। है तो ये कॉन्टेस्ट ही ना, तो इसे हम अच्छे से सजाएंगे। टडा, ये रहा मेरा केक, आपको पसंद आया? उसने ये बनाया भी कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। और ये रहा तुम्हारा स्कोर। ये क्या, ये कैसा मजाक है, ये हो कैसे सकता है? गर्म हो चुका है तो मैं अब सूप पी सकता हूँ। मैं सुबह से इसे पीने का इंतजार कर रहा था। इसे पीकर बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं टीवी पर क्या आ रहा है। कुछ और देखते हैं। हाँ सबको, मैं आज तुम्हें अपना नया घर दिखाऊंगी, मेरे साथ आओ। तो ये मेरा पार्टी रूम है, पूरा दिन यहाँ डीजे चलता है। ओह डीजे, बहुत मजेदार होगा। हाँ, टीवी फिर से खराब हो गया, चलो भी। ये रहा मेरा ऑफिस, मेरा नया पीसी और गेमिंग व्हील के साथ। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें अच्छी हूँ और जब मुझे आराम करना होता है तो मैं यहाँ नहाती हूँ। वाह, गर्म है। और जब मुझे सोना होता है तो मैं खुद को पैसों से ढक लेती हूँ। अरे यार, मुझे नहीं देखना, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। मेरे ऊपर सूप गिर गया है तो मुझे नहाना ही होगा। काश मैं भी नहाते हुए बाथ बॉम्ब से बबल्स बना पाता। इस रफ स्पॉन्ज से खुद को रगड़ना होगा। अरे यार, साबुन भी नीचे गिर गया। हाँ तो मेरा साबुन कहाँ गया? वो रहा, वापस आ जाओ। मैं उन कलरफुल बाथ बॉम्ब्स को सोचने से रुक ही नहीं पा रहा। रुको, जरा एक सेकंड रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, पहले एक खाली बोल लेंगे और थोड़ा बेकिंग सोडा थोड़ा इस बोल में डाल देंगे, इतना काफी होगा। अब इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे और अब थोड़ा कोकोनट ऑयल, ये सही रहता है। अब हम इसे इस विस्क से विस्क करेंगे। सारा पाउडर मिलता जा रहा है। ये देखो, ये रहा एक बड़ा बोल और छोटे छोटे बोल्स भी। मुझे इसमें भी कलरिंग चाहिए क्योंकि मैं इन्हें सुंदर बनाना चाहता हूँ। मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, पर मिलाते रहना होगा। अब सिलिकॉन ट्रे की बारी, अपने बड़े वाले बोल को ध्यान में रखना, इसका मोल्ड अलग है। मैं चम्मच से इस मोल्ड में भरता जाऊंगा। हाँ, अब इसमें थोड़े कलर्स भी भरेंगे और व्हाइट पाउडर से इसे ढक देंगे। अच्छा है, थोड़ा सा और डालेंगे और अब इसके ऊपर इसे सेट करने के लिए एंटीसेप्टिक स्प्रे डालेंगे। ये देखो, अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। जी हाँ, अब मैं अपना क्लाउड बाथ बॉम्ब इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ और मेरा बाथ बॉम्ब बेहतर है क्योंकि मैंने खुद बनाया है। चलो इसे डालें। ओह, देखो कैसे बबल्स बन रहे हैं, इसका फिज तो देखो। अरे वाह, रेनबो कलर्स दिख रहे हैं, मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। शुक्र है मैंने अपना साबुन गिरा दिया था, कितना अच्छा दिन है।